encima, ¿no? El lobo. ¿Lo estoy? शुरू आप सब लोग आगे सबको नमस्कार। मैं हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमाचल की जनता ने लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। इस बार का चुनाव कोई आम चुनाव ना रहकर एक विशेष चुनाव, और जिसमें हमने जनता की अदालत में कई मुद्दे उठाए और पार्टी ने एक फैसला किया कि इस चुनाव को पूरे जोश से पूरे युद्ध की तरह लड़ा गया। और मेरा मानना है कि हमने अपने दो साथियों को विक्रमादित्य जी जो हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं और विनोद सुल्तानपुरी जी जो हमारे विधायक हैं, दो साथियों को यहाँ से मंडी पार्लियामेंट और शिमला पार्लियामेंट से हमने उतारा। हमने अपने राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, पहली बार वो कांगड़ा से राज्य लोकसभा का चुनाव लड़े, और एक हमारे साथी पूरा विधायक थे जो हमीरपुर पार्लियामेंट से चुनाव लड़े। चारों जगह अच्छा संघर्ष हुआ, दो जगह तो बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा और उसमें हमने कड़ी टक्कर दी, लेकिन लोकसभा की जो चारों सीटें हैं वो हम अभी जीत नहीं पाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा था, नेशनल इश्यूज पर ज्यादा था। लोग नेशनल जब इश्यूज पर वोट करते हैं तो कई प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, कई प्रकार की बातचीत को ध्यान में रखकर वोट करते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव को बहुत अच्छी तरह लड़ा। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष चुनाव इसलिए था कि छह विधायक जो राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के हाथ चुनाव पर जीते थे, वो उन्होंने पार्टी के विरोध में राज्यसभा के प्रत्याशी को टिकट दिया, वो राजनीतिक मंडी में बिके। हमने जनता की अदालत में ये बात रखी और हमने कहा कि ये लोग हाथ के निशान पर चुनकर आए थे, इन्होंने पार्टी से भी धोखा किया, हिमाचल की जनता से भी धोखा किया, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनकर आए थे। अब अगला 3.5 साल का कार्यकाल है और मैं हिमाचल की जनता का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस 3.5 साल के टर्म के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्य की मेजोरिटी के लिए 4 विधायकों को चुनकर भेजा। तो जो कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो ये हिमाचल की जनता का जवाब है कि हाँ, हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की सरकार के समर्थन में हमें 4 विधायकों को चुनकर भेजा। उन्होंने कहा कि यहाँ जनमन को जिताना होगा और भविष्य की राजनीति को साफ करना होगा, तो 4 चुनकर आए हैं, 80% के करीब हम चुनकर आए हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि मैं उन्हीं 4 प्रत्याशियों को भी, जो भी जीते हैं, उन सब प्रत्याशियों को मुबारकबाद देता हूं और जनता का, खासकर हिमाचल की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, तो वो उनका वो जो कथन था जनता की अदालत में वो भी झूठा साबित हुआ है। अब हम 34 से बढ़कर 38 हो गए हैं, तो निश्चित तौर पर हम पहले से जानते थे, इसीलिए हमने अपने 2 विधायकों को जो मजबूत थे उनको हमने लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया। विक्रमादित्य जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सुल्तान सब ने अच्छा लड़ा, विक्रमादित्य जी ने पार्टी ने इनसे अनुरोध किया कि आप चुनाव लड़िए और हमने फैसला किया, इनसे पूछा गया, ये वैसे लड़ना नहीं चाहते थे पर मैंने इनसे अनुरोध किया क्योंकि ये लड़ाई हमारी लोकसभा से ज्यादा हम
विधानसभा के चुनाव की तरफ ज्यादा इंगित थे कि हम अगर लोकसभा कमजोर छोड़ देंगे तो हमारे को विधानसभा में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा हम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने पूरे युद्ध को लड़ा। ठीक है, इस चुनाव में लोकसभा में हमें तकरीबन पिछले चुनाव से 2019 के चुनाव से ~14% मत वोट का फायदा हुआ। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 27.53% तथा भाजपा को 6.79% वोट पड़े थे, जबकि इस बार कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत बढ़कर 41.67 तथा भाजपा का मत प्रतिशत घटकर 56.54 रह गया है। कांग्रेस का मत प्रतिशत 14% बढ़ा है। हमारे अभी 14 महीने 15 महीने की सरकार है और ये दूसरा चुनाव था सरकार की कार्यप्रणाली पर, लेकिन दूसरा चुनाव विधानसभा का ये 4 प्रत्याशियों के था। लोकसभा का हमारे यहाँ हिंदू स्टेट होने के कारण, मेजोरिटी ऑफ हिंदू लोग होने के कारण, तो थोड़ा सा ये इशू रहता ही है कि लोकसभा में वो किसी और इश्यूज को ना देखकर नेशनल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वोट डालते हैं। तो नेशनल इश्यूज पर यहाँ केंद्र में इन्होंने हमारे लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताया और विधानसभा की सीटों में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्होंने राज्य सरकार को जिताया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को जो था बीजेपी को 26,66,000 वोट पड़े थे, जबकि इस बार यह घटकर 22,66,000 रह गए। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 16,72,000 वोट मिले जो थे, तो हमारे भी बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों का ध्यान कांग्रेस के प्रति भी आया है, लेकिन नेशनल प्रोस्पेक्टिव में हमारे को यहाँ नुकसान उठाना पड़ा और वो इसलिए भी उठाना पड़ा क्योंकि जब राष्ट्रीय मुद्दे थे, 4 सीटें होने के कारण कई मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, लेकिन मैं कहूंगा सीटें कम माध्यम से हमारे सीट थी, सब लोग कहते पहले नंबर पर हमारे कभी तय करती है और हम जनता का नहीं, ऐसा है वही मैंने आपको कह दिया अपने बारे में। नेशनल इश्यूज में एक हमारे यहाँ राम मंदिर का भी थोड़ा सा असर देखने को मिला, क्योंकि 97% हिंदू राज्य ये और उत्तराखंड का दोनों जगह देखने को मिला। तो इस दृष्टि से नेशनल इश्यू में तो उन्होंने डाल दिया। अभी देखिए हमीरपुर पार्लियामेंट में जितने हम लोग विधानसभा के चुनाव जीते, वो चुनाव तो हमने जीते, लेकिन उस तीनों असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है। तीनों असेंबली कुचलैर, गगरेट, बड़सर, सुजानपुर, इन सब जगह क्या हुआ कि विधानसभा में तो हमको जिताया उन्होंने, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को वोट डाला, अनुराग ठाकुर को वोट डाला। तो इस संदर्भ में नेशनल में इश्यूज कुछ और थे, उसी विधानसभा में हमें जिता कर भेजा। मोदी फैक्टर भी थोड़ा बहुत था, लेकिन मैक्सिमम जो था वो रिलीजन फैक्टर पर थोड़ा सा यहाँ बहुत कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के लोग हैं तो दोनों जगह जो है रिलीजन फैक्टर रिलीजन फैक्टर पर भी थोड़ा बहुत फर्क इसका पड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे कई चीजें हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ वो भी देखिए कि हिमाचल में तो वो उनको बीजेपी के विधानसभा में तो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें है जो किस क्षेत्र में कौन सा मुद्दा आगे आएगा, किस एरिया में कौन सा मुद्दा आएगा, इस आधार पर भी कई बार वोट पड़ जाता है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है
तो बड़ा ब्रॉडर व्यू देखा जाता है लोकसभा के नेशनल के इंटरेस्ट में, इस कारण हमारा यहाँ नुकसान हुआ है। अब ये बात करने की नहीं है, नहीं ये बात करने की ये बात अब करने की नहीं है, तो फायदा हट गया। नहीं ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन के हिसाब से 97% बना रहे हैं, थोड़ा इसको स्क्रीनिंग करी गई, पोलराइजेशन भी होती है, पोलराइजेशन नहीं होती है। और दूसरा जो शिमला सीट की बात नहीं है, पूरी जगह हिमाचल प्रदेश के सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे और हम उसमें हारे हैं। लेकिन हमको खुशी है कि जिस सरकार को ये गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू किया था, उस ऑपरेशन लोटस को हिमाचल की जनता ने निकाल दिया। हमें 6 विधायक खरीदे, 6 विधायक मेजोरिटी हमारी 34 आ गई। 34 के बाद इन्होंने सोचा कि 6 और चुनाव जीत जाएंगे, 3 इंडिपेंडेंट होंगे, 34-34 बराबर हो जाएंगे, हम ये 34 हो जाएंगे, जिनका कि 3 का रेजिग्नेशन कर ले लिया, हम 33 रह जाएंगे। तो उसमें हो गया, तो उसमें लोगों ने, हिमाचल की जनता ने हिमाचल के प्रोस्पेक्ट में हमारी सरकार को मैंडेट दिया। ये पहला मैंडेट नहीं है, वो पहला म्यूनिसिपल सरकार को दूसरा मैंडेट है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, और आगे जो 3 चुनाव होंगे उसमें भी आप आगे आगे देखेंगे। नहीं 1500 में हमने लाहौल स्पीति में लिया, ट्रैक्टर की बात नहीं है, हम तो काम करने की बात कर रहे हैं। और 2,37,000 महिलाएं जिनको 250 रुपए उनको मिला। तीसरा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के पास लटका दिया, हमें फॉर्म नहीं भरने दिए, फॉर्म भरने दिए तो जो फॉर्म जमा हुए थे उनके पैसे रुकवाए हैं, तो जैसे 4 सेंटा खत्म हो गया उनको देंगे। अब तो चुनाव खत्म हो गए ना, परिणाम निकल गया, हम बीजेपी की तरह नहीं है लेकिन हम उनको देंगे। देखिए ऐसा ये तो उनसे पूछना, ये मेरा सवाल नहीं है, ये तो आप उनसे पूछना। लेकिन 4 उपचुनाव बढ़ने की खुशी तो निश्चित तौर पर होगी, हम 34 से 38 हो गए जिस ऑपरेशन को इन्होंने सफल करने की कोशिश की। पर दुख इस बात का भी है कि हमने 4 लोकसभा भी हारे हैं, तो उन कमियों को देखेंगे। देखिए कंट्री को तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज गया है और उस मैसेज का अब हाई कमांड हमारा फैसला करेगा कि एनडीए की जो ये हमारी गवर्नमेंट है, ये कल उनकी मीटिंग होने जा रही है, अलायंस पार्टनर के साथ मीटिंग होने जा रही है कि किस स्वरूप में वो आगे आएंगे। तो वो स्वरूप तो नेशनल लीडर बता सकते, हिमाचल के संदर्भ में आपने आपको बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।